वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पर और हमारे चैनल बैंकर्स हब पर। एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए सभी दोस्तों साथियों जितने बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है, प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। जो भी दो साथी मित्र समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है, आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन अक्टूबर मंथ टॉप 75 एमसीक्यूज है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बैंक एग्जाम के नजरे से काफी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ के, वो मैं सेशन में लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ये एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, कुछ थ्योरी भी होगी और कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे जिनका डिस्कशन इस सेशन में होगा। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें मेरे दोस्तों, आपके लिए आज भी कई इंपॉर्टेंट सेशन शेड्यूल किए गए हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। रात को 8 बजे लक्ष्य बैच अपने टाइम पर रहेगा ही, इसके अलावा 9 बजे यूट्यूब सेशन है, फिर रात को नाइट सफारी अपनी जो बैंक मॉक टेस्ट होता है वो भी रहेगा, शाम को 5 बजे आपकी प्लस क्लास भी है। तो ये सेशंस आपके लाइन अप हैं आज के दिन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस और IDBI एग्जाम के नजरिए से। इस समय अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर रन कर रहा है और ये ऑफर मेरे दोस्तों आप सभी को पता है, फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है सभी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन पर। मात्र 2499 में आप एक वर्ष का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और 2999 में आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको बस एक कोड यूज़ करना है BBM10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर मेरे दोस्तों एक्सेस। सभी प्लस सभी क्लासेस को मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं, सभी कोर्सेज को आप वॉच कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स, टॉपर्स और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है, कभी आपकी भी तस्वीर यहाँ पर आ सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, पढ़ते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। फिजिकल नोट्स मिलते हैं जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। पहला सवाल देखिए, हम यहाँ पर खबरें पढ़ रहे हैं अक्टूबर मंथ की, तो मिक्स MCQs होंगे, बहुत सारी ऐसी खबरें होंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी, जो दिमाग से धीरे धीरे निकल रही होंगी, लेकिन आपको मेरे दोस्तों इन MCQs का, इन टॉपिक्स का रिवीजन लगातार करते रहना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन है भाई जिनको भी हाल में ही मालदीव्स के ये नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं, तो न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर मोहम्मद मुइजू की नियुक्ति हुई है। अब जब भी किसी कंट्री की चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों, तो वहां के कुछ बेसिक जो स्टैटिक की जीके होती है, स्टैटिक जीके होती है, वो भी आपको दिमाग पर रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मालदीव की जब बात करें तो यहाँ की कैपिटल सिटी का नाम है माले, यहाँ की कैपिटल सिटी है। यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफिया, इसे बोलते हैं रुफिया, ठीक है। मोहम्मद मुइजू जो है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को रिप्लेस किया है, जो कि एक तरह से प्रो इंडिया बोल सकते हैं उनको, यानी कि भारत को सपोर्ट और सहयोग देते थे। मोहम्मद मुइजू की जब चर्चाएं होती हैं तो ये प्रो चाइना बोले जाते हैं, मतलब इस प्रकार के कुछ खबरें आपने सुनी होंगी, और इसलिए मालदीव का जो चुनाव था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया था। अगला सवाल मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अगर, कि भारत और मालदीव के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, इंडिया और मालदीव के बीच में मेरे दोस्तों एक एक्सरसाइज भी होती है, और वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो है एक्वेरिन। तो याद रखिएगा, एक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज मालदीव और इंडिया के बीच में ही होती है। एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। आप लगातार ऐसी खबरें सुन रहे हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। यहां पर भी मेरे दोस्तों एक खबर है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से संबंधित ही है। तो मेरे दोस्तों, RBI ने नासिक जिला गिरणा सहकारी बैंक जो है उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है, और इसके पीछे कुछ कारण है। वो कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत मेरे दोस्तों ये बैंक कुछ गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था और इस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस कैंसिल किया गया है। यहां पर राहुल पटनायक आंसर कर रहे हैं, RBI Act 1934। मेरे दोस्तों, जब भी लाइसेंस की बात की जाती है, लाइसेंस कैंसिलेशन की बात की जाती है, तो हमारे बैंक जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी गाइडलाइंस होगी, कोई ना कोई ऐसे नियम होगा जो फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो आमतौर पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ही ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके तहत मेरे दोस्तों इस संस्था का लाइसेंस कैंसिल किया गया है।
ये संस्था, इसके पास एडिक्वेट कैपिटल भी नहीं थी और अर्निंग के प्रॉस्पेक्ट भी नहीं थे। और लगातार मेरे दोस्तों बैंक जो है, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोविजंस होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, जो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इस कारण से मेरे दोस्तों इस संस्था को इमीडिएट इफेक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो यहां पर आंसर क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में जानकारी इसी एक्ट में दी गई है, बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में जानकारी इसी एक्ट में दी गई है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, हमारी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनके द्वारा क्रायो फॉर गुड नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। क्या बोल सकते हैं आपसे, क्रियो फॉर गुड भी बोल सकते हैं, क्रायो फॉर गुड भी बोल सकते हैं। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आंसर करिए। बिल्कुल राहुल पटनायक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यही वो आंसर है जिसके तहत नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। क्रियो फॉर गुड ये एक इनिशिएटिव है, एक प्रकार का प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मंत्रालय के मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिनके पास एजुकेशन भी है मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए जब भी इस प्रकार के सवाल आपको दिखें और इस प्रकार के सवाल में आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखे जहां पर फर्स्ट एंड टू, टू एंड थ्री वाला ऑप्शन दे, तो आप तुक्का मार सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि इस प्रकार से आप सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हर एग्जाम में ऐसा नहीं करना। तो जेंडर इक्वालिटी और यूथ को एम्पावर करने के नजरिए से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और इस इनिशिएटिव में मेरे दोस्तों यूनिसेफ भी शामिल है और बीसीसीआई भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन में कुछ मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आईसीसी, यूनिसेफ और बीसीसीआई। तो खेल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यूनिसेफ और बीसीसीआई के साथ कोलैबोरेशन में मेरे दोस्तों क्रियाओ फॉर गुड इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इस संस्था में इस समय प्रमुख के तौर पर कौन है, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। इस संस्था में, यूनिसेफ में इस समय प्रमुख के तौर पर कौन है, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जब बात करते हैं तो इसका प्रेसिडेंट कौन है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनके प्रमुख के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। आईसीसी में इस समय कौन है जो कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए सही जवाब क्या है। यूनिसेफ में कैथरीन रसल है, यूनिसेफ की जो प्रमुख है उनका नाम कैथरीन रसल है, कैथरीन रसल याद रखिएगा, कैथरीन रसल ये यूनिसेफ में प्रमुख के तौर पर है। बीसीसीआई की प्रमुख प्रेसिडेंट रोजर बिनी, रोजर बिनी। यहां पर आईसीसी के बारे में अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों दुबई में है और आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर इस समय मास्टर कार्ड है। तो ग्लोबल स्पॉन्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी है, तो ग्लोबल स्पॉन्सर मेरे दोस्तों मास्टर कार्ड है, याद रखिएगा ये खबर एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैंने आईसीसी का प्रमुख पूछा है क्या वो ग्रेग बार्कले हैं, तो देखिए आपके जवाब नहीं आ रहे हैं तो मैं बता देता हूं आपको, ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले इस समय आईसीसी को लीड कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लीड कर रहे हैं। कैथरीन रसल यूनिसेफ को लीड कर रही है। देखिए किसी भी खबर को पढ़ें तो बहुत ही बेसिक बातें जो हैं उससे भी आपको चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल, पर्यावरण को बचाने के नज़रिए से, क्लाइमेट चेंज को रोकने के नज़रिए से लगातार सरकार प्रयासरत है और इसी सीरीज में मेरे दोस्तों सरकारी कंपनियों में से बात करें तो देश में महारत्न पीएससी हुई है, जिसके द्वारा देश की पहली फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस को लॉन्च किया गया है। तो देश की पहली फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस किस महारत्न पीएससी के द्वारा अनवील की गई है, आंसर करिए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है।
तो यहां पर करेक्ट आंसर में दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL परफेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। IOCL की जब बात करते हैं तो मेरे दोस्तों इस संस्था के द्वारा देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस को अनवील किया गया है। IOCL ये जितनी भी संस्थाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पर पांच की पांच, ये सब पेट्रोलियम से संबंधित हैं और सारी संस्थाएं महारत्न PSU के तौर पर हैं। सारी महारत्न PSU हैं। देश में टोटल महारत्न PSU की संख्या 13 है और सबसे लेटेस्ट PSU या न्यूएस्ट PSU जो है जो महारत्न कैटेगरी के तौर पर कैटेगराइज किया गया है उसका नाम मेरे दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE और वो कौन सा टेक जायंट है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और वो कौन सी टेक दिग्गज कंपनी है जिनके बीच में एक MOU साइन हुआ है जिसकी मदद से मेरे दोस्तों जो विद्यार्थी हैं देश में उनके स्किल डेवलपमेंट और साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर से संबंधित मेरे दोस्तों कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे। आंसर करिए, यहाँ पर जो भी सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं मेरे दोस्तों वो उम्दा सवाल हैं। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये एक तरह से नोडल एजेंसी है भारत में टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित, और उस टेक दिग्गज कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट जिसके द्वारा मेरे दोस्तों इस कोलैबोरेशन को किया गया है। मेन टारगेट क्या है, स्किल डेवलपमेंट और साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर जो भी देश में विद्यार्थी हैं उनके लिए। राहुल पटनायक का जवाब एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। अभी हाल में ही गूगल के द्वारा मेरे दोस्तों अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया है? गूगल के द्वारा हाल में ही अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया था, उसका नाम आपको पता है? अगर नाम पता है तो फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट हैव साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलेबरेट टू इक्विप स्टूडेंट्स विद स्किल्स एंड एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE TG सीताराम, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं और इस समय CEO सत्य नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन हेड जो है उनका नाम पुनीत चंदोक है। पुनीत चंदोक, बी अवेयर अलर्ट। और जो गूगल के द्वारा जो अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, इससे पहले मेरे दोस्तों ट्रायल किया जा रहा था जब आपके मैसेज आपके मोबाइल फोन पर मैसेज अलर्ट्स आ रहे थे, और अभी इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लिया जब नेपाल और उससे सटे हुए जो इलाके हैं मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके आए तो आपके मैसेज आपके मोबाइल फोन पर मैसेज अलर्ट्स आए होंगे। अगली खबर, अक्टूबर मंथ में दोस्तों एक इंडेक्स रिलीज किया गया, इसका नाम है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो उस इंडेक्स का नाम क्या है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक, भारत की रैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कितनी बताई गई। तो ये है 56, 56 रैंक है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन सी संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों लाउजने में, कहाँ पर है, लाउजने में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लाउजने में। लाउजने कहाँ पर भैया, स्विट्जरलैंड में है। लाउजने जो मेरे दोस्तों शहर है यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के मुख्यालय भी हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, हॉकी फेडरेशन, चेस फेडरेशन, इन सभी संस्थाओं के मुख्यालय लाउजने शहर में ही है, ये शहर स्विट्जरलैंड में है। अब जिस शहर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और जिस कंट्री के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड मेरे दोस्तों वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर है। तो स्विट्जरलैंड की रैंकिंग जो है वो नंबर एक पायदान पर है। कुल 64 इकोनॉमी में भारत 56 पोजीशन पर है। भारत के रैंकिंग को 4 अंकों का नुकसान पहुंचा है। IMD के द्वारा मेरे दोस्तों इस रैंकिंग को हर वर्ष रिलीज किया जाता है। इसी के साथ साथ तो मेरे दोस्तों एक और रैंकिंग आई थी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII,
और इसे वीपो के द्वारा रिलीज किया गया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा रिलीज किया गया था इसे। जीआईआई में नंबर एक पर स्विट्जरलैंड है, नंबर एक पर स्विट्जरलैंड है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग के बारे में जब बात करें तो भारत की रैंकिंग मेरे दोस्तों 40 बताई गई है, 40th, इंडिया इज एट 40th रैंक। आगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अपने राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने जा रहा है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। इससे संबंधित मेरे दोस्तों एक डायरेक्शन जो है वो केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके पास भेजा गया है, उसके अप्रूवल के बाद इस टाइगर रिजर्व को मेरे दोस्तों कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा। तो वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम है बिहार। बिहार में मेरे दोस्तों अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो कैमूर टाइगर रिजर्व जो है मेरे दोस्तों एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर चिन्हित किया जाएगा और ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। आगे बढ़ते हैं, देश में इस समय टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व की संख्या की बात करें तो 54 टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व है देश में। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54 टाइगर रिजर्व है। और जो 54th टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो कि एमपी में है। देश में सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में हैं, नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में हैं और साथ साथ में टाइगर रिजर्व की संख्या भी मैक्सिमम एमपी में ही है। अगर आपसे कोई पूछे लेपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0 ऐसी स्कीम्स में दोस्तों मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी जानकारी के लिए बता दें NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वाल्मीकि रिजर्व में मेरे दोस्तों उसकी संख्या 31 से 24 हो गई है, कितनी 54 होगी, 54 होगी, बढ़ी है। और यानी कि इस नजरिए से बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट है और एरिया को टाइगर रिजर्व के तहत लाना जरूरी हो गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसके द्वारा अगले 10 वर्षों में $100 बिलियन अंडर कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स अनाउंस किया गया है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आने वाले 10 वर्षों में लगभग $100 बिलियन के करीब कैपिटल मैनेजमेंट रिफॉर्म अनाउंस कर रही है। अगले 10 वर्षों में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के मेंबर्स हैं, उनको इतनी बड़ी राशि का आवंटन किया जाएगा। तो उस संस्था का नाम क्या है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB या AIIB? तो यहां पर सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB इज द करेक्ट आंसर, ADB बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित कई खबरें अभी अपने हाल में ही सुनी है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें ADB और L&T फिनेंस के बीच में एक MOU साइन हुआ है, L&T फिनेंस के बीच में एक MOU साइन हुआ है और इसकी मदद से महिलाओं, किसानों और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSMEs जो हैं इनको मेरे दोस्तों एम्पावर किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है मेरे दोस्तों कितने बिलियन US का है, $250 मिलियन का है, इसकी जानकारी आपको कल के सेशन में बताई गई थी। ADB के द्वारा जो ये खबर बताई जा रही है ये $100 बिलियन में दोस्तों फंड जो है आने वाले 10 वर्षों में ADB खर्च करेगा, इसे अनलॉक करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में। प्रमुख का नाम मससुगु असकावा है, जो हेड है इस संस्था में उनका नाम मससुगु असकावा जैपनीज है। आप देखेंगे आमतौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो जापान से ही होता है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और अमेरिका की है, भारत की हिस्सेदारी चौथे पायदान पर आती है। अभी हाल में ही भार्गव दास गुप्ता को एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मार्केट सॉल्यूशन के लिए नियुक्ति दी गई थी। आप लगातार साइक्लोन्स के बारे में खबरें सुन रहे हैं और उनके नामों के बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। यहां पर हम एक साइक्लोन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हमून। हमून साइक्लोन जो है इसे निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसके द्वारा नाम दिया गया है,
हमून साइक्लोन जो है इसे किस कंट्री के द्वारा नाम दिया गया, किस देश के द्वारा नाम किया है, आंसर करिए फटाफट। यमन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। सही जवाब क्या है फटाफट बता दीजिए। हमून नाम का जो साइक्लोन है इसे निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, यहां पर सही जवाब है ईरान। ये नाम मेरे दोस्तों ईरान ने दिया है, ईरान ने दिया है। इससे पहले यमन के द्वारा नाम दिया गया था मेरे दोस्तों मोचा को। बांग्लादेश ने मेरे दोस्तों बिपरजॉय को नाम दिया था, बिपरजॉय। अभी एक और तूफान आ चुका है और वो तूफान मेरे दोस्तों गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है वहां पर इसका उद्गम हुआ है, बंगाल की खाड़ी। और अगर हम बात करें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाके हैं जहां पर ये प्रभाव डालेगा, उसको भी हाल में ही नाम दिया और म्यांमार ने नाम दिया है। नहीं, राहुल पटनायक सही जवाब, यहां पर सही जवाब जो है वो है ईरान। म्यांमार की जब चर्चाएं करते हैं, जो अभी हाल में ही तूफान की चर्चाएं चल रही हैं, उसे नाम म्यांमार ने दिया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यहां पर। ठीक है भाई, साइक्लोन हमून वॉज नेम्ड बाय ईरान, ईरान के द्वारा से नाम दिया गया। द वर्ड हमून इज अ पर्शियन वर्ड, एक पर्शियन वर्ड है जो कि मेरे दोस्तों मार्श लैंड के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब होता है मार्श लैंड, डेजर्ट लेक, जो रेतीली स्थानों में जहां पर कहीं पर थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाता है ना, उसको मार्श लैंड बोलते हैं, हिलैंड बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है। अगला सवाल, वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा, पहला एडिशन इसका 2024 में होगा, उस कंट्री के बारे में फटाफट आंसर कर दीजिए, बता दीजिए सही जवाब क्या है। वो कौन सा कंट्री है जो कि विश्व का पहला ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहा है 2024 में, यूएई, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएस या फिर जापान। तो उस कंट्री के बारे में फटाफट आंसर करिए जिसके द्वारा, और यहां पर राहुल का जवाब एकदम परफेक्ट आ चुका है, सऊदी अरेबिया के द्वारा मेरे दोस्तों इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरेबिया 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स ग्रुप का मेंबर भी बन जाएगा, ये ब्रिक्स का मेंबर भी बनेगा, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। सऊदी अरेबिया मेरे दोस्तों मुरब्बा नाम की एक हाईटेक सिटी को भी डेवलप कर रहा है, मुरब्बा नाम की एक हाईटेक सिटी को भी डेवलप कर रहा है। अगली बात, सऊदी अरब से एक महिला अंतरिक्ष यात्री है, इनका नाम है रयाना बरनावी, क्या नाम है, रयाना बरनावी, ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में स्पेस एक्स के मिशन के तहत भेजा जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम के नजरिए से ऐसी जो वन लाइनर्स खबरें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जो कि डिफेंस से संबंधित आंकड़े जारी करता है। जब हम बात करते हैं टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स की, टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स की यानी कि रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करने वाले कंट्रीज की, तो उसमें सऊदी अरब पांचवें पायदान पर आता है। डिफेंस इंपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें टॉप पर रहता है। एग्जाम की नजरिए से मेरे दोस्तों ये सारे वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, यहां पर जानकारी देखिए, सऊदी अरेबिया लॉन्च ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप एंड विल होस्ट इट्स फर्स्ट एडिशन इन रियाद, रियाद यहां की कैपिटल सिटी है सऊदी अरब की, और वहां पर मेरे दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल, एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 ये भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुई, तो आंसर करिए फटाफट। हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारतीय और कौन से देश की सेना के बीच में आयोजन हुआ था इसका। किस देश की सेना के बीच में इसका आयोजन हुआ था,
तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो सही जवाब है वो है मलेशिया। हरिमोहन शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होती है। मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी जो है मेरे दोस्तों वो है रिंगिट। करेंसी क्या है? रिंगिट है। ओके, अगला सवाल। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। समुद्र शक्ति, ये एक्सरसाइज मेरे दोस्तों इंडोनेशिया के साथ होती है, समुद्र शक्ति। मालदीव के साथ एक्वेरिन, कौन सी एक्सरसाइज है? एक्वेरिन। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम के एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। मित्र शक्ति, ठीक है। तो इन एक्सरसाइजेस को दिमाग में रखिए, एग्जाम में यहां से सवाल बन जाते हैं कई बार। भारत टैक्स 2024 विश्व का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और ये आयोजित किया जाएगा फरवरी 2024 में। निम्नलिखित में से वो कौन सा फील्ड है जिससे ये संबंधित है? ये जो इवेंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भारत टैक्स 2024, ये निम्नलिखित में से किस फील्ड से संबंधित है? आंसर करिए, टैक्स एंड अकाउंटिंग, जीएसटी, टेक्सटाइल, साइबर फ्रॉड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्तों सही जवाब है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल ये जो सेक्टर है मेरे दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ है भारत टैक्स 24। भारत टैक्स 2024 ये विश्व के सबसे बड़े आयोजनों में से एक आयोजन होगा। फरवरी 2024 में इसको होस्ट किया जाना है भारत में ही। मेरे दोस्तों इस समय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी के पास है, पीयूष गोयल जी के पास है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। पीयूष गोयल जी के पास कई और दूसरे भी मंत्रालय हैं, जैसे फूड कंज्यूमर एंड पीडीएस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी के पास ही है। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री बॉडीज इज गियरिंग अप टू होस्ट भारत टैक्स 2024। तो मेरे दोस्तों भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो देश में जो दूसरे ट्रेड एसोसिएशन हैं जैसे कि फिक्की, जैसे हम बात करते हैं CII, एसोचैम, इनके साथ मिलकर भारत टेक्स 2024 का आयोजन करने जा रही है। ये विश्व के सबसे बड़े लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट में से एक होगा भारत टेक्स 2024 जो मेरे दोस्तों। इसमें 5F विजन को रखा गया है, इंडिया 5F विजन को रखा गया है, जो कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन। ये 5F हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की पूरी उम्मीद है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है, IDBI का एग्जाम है, उनमें से किसी एक एग्जाम में आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा 5F है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में एक जो हमारे देश में उत्पादन होता है कॉटन का, इससे हमने एक स्पेशल नाम दिया है, उसे नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत नाम दिया गया, ठीक है जी। ये एक ऑफिशियल साइट भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है इस इनिशिएटिव से संबंधित, जो कि पीयूष गोयल जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है, ठीक है, जिसकी मदद से मेरे दोस्तों जो भी इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक मेरे दोस्तों सारी जानकारी पहुंच सके। कस्तूरी कॉटन भारत ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ट्रेड बॉडीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो भारत में जो कॉटन का उत्पादन होता है उसे कस्तूरी कॉटन नाम दिया गया है, एक अलग नाम दिया गया है इसको, जैसे एकदम वैसे ही जैसे जीआई रजिस्ट्री के द्वारा गोवा में उत्पादन जो होता है कैश्यू का, उसे गोवन कैश्यू का नाम दिया गया है, जैसे अभी भारत आटा लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही एक कस्तूरी कॉटन ब्रांड है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो कि देश की दूसरी महिला ऑफिसर हैं, मेडिकल ब्रांच से हैं और इन्हें इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो
एयर मार्शल की उपाधि से सम्मानित तो होने वाली निम्नलिखित में से वो कौन सी दूसरी महिला है? आंसर करिए फटाफट। बहुत ही अच्छा, सही, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में इस प्रकार के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फटाफट आंसर करिए दोस्तों। सही जवाब जो है यहां पर साधना एश नायर, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आरईसी। आरईसी में दोस्तों ये संस्था देश की 12वीं संस्था है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। फुल फॉर्म इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड था, लेकिन अब ये केवल आरईसी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये एक महारत्न पीएसयू है और इसके द्वारा अभी हाल में ही एक एग्रीमेंट साइन किया गया है किसी भारतीय बैंक के साथ, जिसकी मदद से मेरे दोस्तों आरईसी और वो भारतीय बैंक मिलकर को फाइनेंस करेंगे एक प्रोजेक्ट को जिसकी लागत 30,000 करोड़ की होगी अगले 5 वर्षों में। तो अगले 5 वर्षों के लिए मेरे दोस्तों एक भारतीय सरकारी बैंक और आरईसी मिलकर मेरे दोस्तों मार्केट में 30,000 करोड़ तक की प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाले हैं। उस बैंक का नाम क्या है? बैंक का सही नाम मेरे दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आरईसी लिमिटेड, इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 की है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरईसी लिमिटेड को पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। दूसरी संस्था बैंक ऑफ इंडिया जिसके साथ ये एमओयू साइन किया गया है, इसके प्रमुख रजनीश कर्नाटक है, हेडक्वार्टर बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में ही है। ठीक, देश में टोटल नंबर ऑफ महारत्न पीएसयू की संख्या 13 है। सबसे नई नवेली पीएसयू जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, नाम याद रखिएगा। अब एक जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप सभी दोस्तों को पता है कि G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया 2023 में G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया इंडिया में। थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम। सारे आयोजन समाप्त हो चुके हैं, एक आखिरी आयोजन मेरे दोस्तों होता है और ये फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होती है G20 नेशंस की, जिनके द्वारा मिलकर मेरे दोस्तों एक रोड मैप को अपनाया जाता है। और ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है? मोरक्को के सिटी मराकश में, जिसकी मदद से, उस रोड मैप की मदद से मेरे दोस्तों टारगेट क्या है कि जो क्रिप्टो असेट्स हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जा सके। तो क्रिप्टो असेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को उसके प्रॉपर रेगुलेशन से संबंधित रोड मैप अडॉप्ट किया गया है फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग के दौरान। ये मीटिंग मोरक्को में हुई, याद रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। सही सवाल है। क्रिप्टो की जब चर्चाएं करते हैं तो एक हाल में ही क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है वर्ल्ड क्वाइन, क्रिप्टो प्रोजेक्ट इसका नाम क्या है? वर्ल्ड क्वाइन। तो वर्ल्ड क्वाइन नाम का क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सैम ऑल्टमैन के द्वारा। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ थे और जिनको अभी हाल में मेरे दोस्तों उसके बोर्ड के द्वारा हटाया गया था। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा मेरे दोस्तों अनाउंसमेंट की गई G20 कंट्रीज जो हैं स्टार्ट शेयरिंग इंफॉर्मेशन अंडर द क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF बाय 2027। मतलब जो रोड मैप साइन किया गया है, रोड मैप तैयार किया गया है, उसके तहत मेरे दोस्तों एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है जिसे नाम दिया गया है क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और इसके तहत ये जितने भी कंट्रीज हैं जिनके बीच में एमओयू हुआ है, ये आपस में इस जानकारी साझा करने की शुरुआत करेंगे 2027 से। ओके, इंपॉर्टेंट है ये खबर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बोल सकते हैं कि आपके नज़रिए से, जानने के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप शॉर्ट में UNWTO का नाम देते हैं, ये संस्था मेरे दोस्तों इसके द्वारा भारत का एक गांव है, इसका नाम है ढोडो विलेज। ये किस राज्य से है, किस राज्य में है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर कैटेगराइज किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है UNWTO इसके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेजेस नेटवर्क के तहत इस गांव को सिलेक्ट किया गया। भारत की तरफ से मेरे दोस्तों लगभग 8 के करीब नॉमिनेशंस गए थे लेकिन एक ही गांव को सिलेक्ट किया गया है। ये गांव मेरे दोस्तों किस राज्य में आता है? गुजरात।
करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। ये गांव कहाँ का है? गुजरात का गांव है, याद रखिएगा। गुजरात में ही देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। गुजरात में ही देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। सही जवाब है गुजरात में दोस्तों। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की जब चर्चा करते हैं तो देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है, दूसरी सिटी जयपुर है। अभी हाल में ही यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसला टेम्पल्स हैं जो कि कर्नाटक में स्थित हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ढोडे विलेज को जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है मेरे दोस्तों, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस की जानकारी दी गई है। 8 एंट्रीज गई थी जिनमें से केवल एक ही गांव को शामिल किया गया है। एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगली खबर बैंक सेक्टर से है, फाइनेंशियल सेक्टर से है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जिस तरह से एचडीएफसी कॉरपोरेशन में मर्ज हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई को ये मर्जर हुआ। उसी तरह से मेरे दोस्तों एक और संस्था है जो मर्जर के लिए आगे बढ़ रही है, उस संस्था का नाम आईडीएफसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसके द्वारा मेरे दोस्तों उसका द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था सीसीआई के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, मर्जर के लिए आईडीएफसी बैंक के साथ। इस एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल चुका है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब कुछ अप्रूवल और बाकी हैं जैसे आरबीआई, एनसीएलटी और सेबी, इनके अप्रूवल के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये अपनी पेरेंट बॉडी आईडीएफसी में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये जो मर्जर है मेरे दोस्तों इसको बोर्ड के द्वारा भी अप्रूवल मिल चुका है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जुलाई 3 को मेरे दोस्तों जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इनके द्वारा मर्जर का अप्रूवल दे दिया गया था। ये मर्जर मेरे दोस्तों इफेक्टिव तब होगा जब सेबी, आरबीआई और एनसीएलटी जैसी संस्थाएं जो हैं इनके द्वारा भी अप्रूवल मिल जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मेरे दोस्तों ये देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा सबसे नए नवीलो बैंकों में से एक है जिनको लाइसेंस दिया गया था। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आखिरी बार जिन 2 संस्थाओं को लाइसेंस दिया था उसमें एक आईडीएफसी है और एक बंधन बैंक है। जून 30, 2023 को कि अगर हम बात करें आईडीएफसी की जो हिस्सेदारी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो 30.93% की है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। और जब ये ऑफिशियल ये मर्जर हो जाता है तो उस मर्जर के बाद मेरे दोस्तों शेयर होल्डर जो है आईडीएफसी के उनको 155 शेयर्स मिलेंगे, 155 शेयर्स मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फॉर एवरी 100 शेयर्स। मतलब आईडीएफसी के अगर 100 शेयर की बात करें तो मेरे दोस्तों इसकी तुलना अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से करते हैं तो 155 का रेशियो है 100 के। मर्जर के बाद मेरे दोस्तों इस क्राइटेरिया को सेट किया जाएगा। अभी मर्जर को फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, अभी केवल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही अप्रूवल दिया गया है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन ईयू जो है मेरे दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो है इसके द्वारा टॉप ह्यूमन राइट प्राइज की अनाउंसमेंट की गई। इस प्राइज को यूज शाखारोव ह्यूमन राइट प्राइज के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, उस एक इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है, उस कैंपेन के बारे में पूछा जा रहा है जिसको सम्मानित किया गया है शाखारोव ह्यूमन राइट प्राइज के तौर पर। तो नाम है मेरे दोस्तों महसा अमीनी, उम्र 21 से 22 वर्ष, ईरान कुर्दिश कम्युनिटी की, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मेरे दोस्तों मौत होती है। उसके बाद एक आंदोलन खड़ा होता है और उस आंदोलन को नाम मिलता है विमेन लाइफ फ्रीडम। तो महसा अमीनी और ईरान के विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को मेरे दोस्तों सखारोव ह्यूमन राइट प्राइज से सम्मानित किया गया। महसा अमीनी की उम्र 22 वर्ष थी, कुर्दिश ईरानियन विमेन जिनकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है। ईरान में पिछले वर्ष एक बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट खड़ा होता है, महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं और महिला अधिकारों और सुरक्षा की डिमांड करती हैं। तो मेरे दोस्तों
ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है, एग्जाम की नजरिए से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं नरगिस मोहम्मदी की। नरगिस मोहम्मदी जिनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, महिला अधिकारों के लिए लड़ रही हैं काफ़ी वर्षों से, ईरान की जेल में इसमें बंद हैं और हंगर स्ट्राइक में हैं। तो मेरे दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम अगली खबर बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा मेरे दोस्तों अशोक वासवानी जो हैं इनके अपॉइंटमेंट की अप्रूवल दे दी गई है। ये MD एंड CEO के तौर पर कोटक महिंद्रा बैंक की जिम्मेदारी संभालेंगे 3 वर्षों के लिए। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक के बाद वो कौन है जिनको MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया गया है RBI के द्वारा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अशोक वासवानी जो हैं इनकी नियुक्ति को अप्रूवल दिया गया है 3 वर्षों के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक मेरे दोस्तों इसमें उदय कोटक जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में 70 वर्ष से ऊपर मेरे दोस्तों MD और CEO की एज नहीं हो सकती है, अगर है तो वो इस पद से हट जाएगा। इसी नियम के तहत मेरे दोस्तों ये पद छोड़ा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा मेरे दोस्तों इस अप्रूवल को एक्सेप्ट किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं अब अशोक वासवानी साहब जो हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे। एक और खबर है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा 100% शेयर्स एक्वायर किए गए हैं लखनऊ बेस्ड सोनाटा फिनेंस प्राइवेट लिमिटेड के। तो सोनाटा फिनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर्स को एक्वायर किया गया है 537 करोड़ में। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसे किस बैंक के द्वारा एक्वायर किया गया, कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए गए हैं, कितनी करोड़ में एक्वायर किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल, RBI के द्वारा जब भी किसी वित्तीय संस्था के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है तो वो एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम। तो RBI इम्पोज पेनल्टी ऑफ 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है RBI के द्वारा L&T फाइनेंस के ऊपर, लार्सन एंड टोब्रो फाइनेंस के ऊपर। किस नियम की बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं इनके कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं जिन नियमों के तहत ये काम करती हैं, उन नियमों का उल्लंघन किया गया था और इस कारण से L&T फाइनेंस के ऊपर 2.5 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो पेनल्टीज इम्पोज ड्यू टू L&T फाइनेंस फेलियर टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। मतलब भारत में जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काम कर रही हैं उन कंपनियों में मेरे दोस्तों बहुत खास ऐसी कंपनियां हैं जिनको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। NBFC दो प्रकार की हो सकती हैं, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC और दूसरी होती हैं डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 के नियम के तहत में दोस्तों L&T पर 2.5 करोड़ की पेनल्टी को इम्पोज किया गया है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप सुन रहे हैं SIB, ये जिसे बोलते हैं कि DSIB डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं तो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर, और अगर NBFCs हैं तो NBFC सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें देश में जितनी भी NBFC हैं उनका रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है, RBI ही इन संस्थाओं को रेगुलेट करता है। इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 चैप्टर 3B में बताई गई है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा बैंक है जिसके द्वारा मुकानूर मिशन लॉन्च किया गया। ये मुकानूर मिशन मेरे दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया एक मिशन है, उस बैंक के बारे में आपको जानकारी देनी है जिस बैंक के द्वारा से लॉन्च किया गया है। दोस्तों सही जवाब है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। फेडरल बैंक के जो फाउंडर हैं उनका बर्थ प्लेस है मुकानूर। मुकानूर मेरे दोस्तों एक गाँव है जो कि एर्नाकुलम में आता है, ठीक है भाई। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं फेडरल बैंक का मुख्यालय इस समय अलुवा में है। कहाँ पर है? अलुवा। अलुवा कहाँ हुआ है? केरला में। केरला में ही मुख्यालय है, ठीक है भाई। फेडरल बैंक के इस समय प्रमुख जो हैं उनका नाम श्याम श्रीनिवासन है, श्याम
श्रीनिवासन, श्याम श्रीनिवासन। तो देखिए सारी जानकारी दी गई है। मुकानूर विलेज जो है मेरे दोस्तों ये अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है और इस मिशन का फोकल पॉइंट है, इसलिए इस मिशन को मुकानूर मिशन नाम दिया गया है। मुकानूर बर्थ प्लेस है फेडरल बैंक के फाउंडर की। श्याम श्रीनिवासन इस समय MD एंड CEO हैं फेडरल बैंक में और इन्हीं के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये मिशन मेरे दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के दायरे में आता है। अगली खबर मेरे दोस्तों एक नियुक्ति से संबंधित है। संजय कुमार जैन, नाम तो सुना होगा संजय कुमार जैन, इनको मेरे दोस्तों CMD के तौर पर अपॉइंट किया गया है IRCTC में। IRCTC इसका नाम आप लगातार सुनते रहते होंगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आप जब भी रेलवे के टिकट्स बुक करते हैं तो मेरे दोस्तों इसी के माध्यम से करते हैं। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स जो है उनको इनॉग्रेट किया गया गोवा में, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में, वो कौन सा स्टेडियम है जहां पर मेरे दोस्तों इस खेल का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वानखेड़े मनोहर पारिकर स्टेडियम, सही जवाब क्या है? तो यहां पर जो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहां पर 37th नेशनल गेम्स के आयोजन किए गए हैं। जब इन गेम्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो इस इनॉग्रेशन के दौरान, इस शुरुआत के दौरान गोवा के गवर्नर श्रीधर पिल्लई मौजूद थे, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अवेयर मिनिस्ट्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर के पास है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा हैं और भी कई डिग्निटरीज मेरे दोस्तों प्रेजेंट थे इस खेल आयोजन के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरे दोस्तों इस आयोजन के दौरान और इस इनॉग्रेशन के दौरान खेलो इंडिया टॉप स्कीम, इन सब के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इनके माध्यम से युवाओं में मोटिवेशन बढ़ रहा है और देश खेल के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 भारत मंडपम में शुरू किया गया। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया, किस स्थान पर, भारत मंडपम में। भारत मंडपम प्रगति मैदान वाला इलाका, भारत मंडपम पर नया ढांचा तैयार हुआ है और ये 7th एडिशन थे इस आयोजन के, इस कांग्रेस के। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है मेरे दोस्तों ये लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया का और 27 से 29 अक्टूबर के बीच में मेरे दोस्तों इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इस आयोजन की थीम रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरे दोस्तों 100 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको 5G यूज केस लैब प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये जो 100 5G यूज केस लैब्स हैं इसका मतलब क्या है, आपको ये पता होगा कि भाई 5G टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही है और इस 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग भी चल रही है और इसी टेस्टिंग के तहत मेरे दोस्तों केस लैब्स तैयार किए गए हैं और जो देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं में ये केस लैब्स रेडी किए जाएंगे जिस पर टेस्टिंग भी की जाएगी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल कितने केस लैब्स जो हैं उनको अवार्ड दिए, 100 के करीब केस लैब्स हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित है, हम मोबाइल कांग्रेस की बात कर रहे थे, वो कौन सा कंट्री है जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स है विश्व में, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स की बात करते हैं तो कौन सा कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है चाइना। चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल फोन तैयार करता है, दूसरे पायदान पर इंडिया आता है, सेकंड पोजीशन पर इंडिया है। ठीक है भाई, देखिए एक बात है, पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चाइना को पीछे कर दिया है, ये खबर आपको मिली भी होगी और आपने पढ़ी भी होगी। अगली खबर, अयोध्या राम टेम्पल, अयोध्या में राम मंदिर की जब चर्चाएं करते हैं दोस्तों तो 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है और पूरे विश्व से मेरे दोस्तों कोने कोने से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा आ रहा है, यानी कि एक प्रकार से डोनेशंस आ रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए एक नियम होता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत जो भी डोनेशंस फॉरेन डोनेशन के तहत आ रही हैं उससे संबंधित अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अयोध्या राम टेम्पल जो है मेरे दोस्तों, जो ट्रस्ट है
इसको लाइसेंस मिल गया है फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट करने का FCRA के तहत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी फॉरेन डोनेशंस आएंगी बाहर से वो एक ही बैंक ब्रांच में जमा होंगी, उस बैंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉरेन डोनेशंस फॉर अयोध्या राम टेम्पल विल ओनली बी एक्सेप्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक ब्रांच, निम्नलिखित में से वो कौन सा बैंक है जिस ब्रांच में, जिसकी ब्रांच में इस डोनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा जो कि बाहर से विदेशों से आ रही है। तो आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का ब्रांच है, और उसी में मेरे दोस्तों दिल्ली में ब्रांच है जहां पर सारी फॉरेन डोनेशन को इकट्ठा किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा। देखिए यहां पर अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट हैज ऑलरेडी कलेक्टेड 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपीज डोनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये जो फॉरेन डोनेशन है मेरे दोस्तों, इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जो है संसद मार्ग पर, ठीक है भाई, केवल उसी में एक्सेप्ट किया जा सकेगा। मतलब जो भी कोई फॉरेन डोनेशन भेजी जाएगी तो इसी पर्टिकुलर ब्रांच के एड्रेस या अकाउंट पर ट्रांसफर की जाएगी। ट्रस्ट हैड ऑलरेडी अप्लाइड FCRA लाइसेंस, मतलब किसी भी संस्था को अगर इस लाइसेंस का आवेदन करना होता है तो वो FCRA लाइसेंस का आवेदन करता है, ठीक है भाई, FCRA के तहत ही उसे अप्रूवल मिलता है। अगली सवाल, आप लगातार सुन रहे होंगे भारत और इंडिया के बीच के खेल को। तो मैं दोस्तों, ये जो इंडिया है ऑलरेडी हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब आमतौर पर हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमें लगता है वही सही है, लेकिन जब हम थोड़ा बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहानी कुछ और है, ठीक है भाई। तो हमारे संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, तो मतलब हम इंडिया या भारत किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं NCERT की, जो करिकुलम है मेरे दोस्तों, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसमें एक रिकमेंडेशन आई है, सुझाव आया है कि जहाँ जहाँ भी इंडिया लिखा है उसे भारत कर दिया जाए। अभी इस पर कोई फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है मंत्रालय के तरफ से मेरे दोस्तों। ऐसे ही कुछ चैप्टर्स को मॉडिफाई करने की बात कही गई थी। इंडिया शुड बी रिप्लेस्ड विद भारत, विक्ट्रीज ऑफ हिंदू किंग शुड बी हाईलाइटेड मोर, एंड हिस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंट शुड बी बेटर रिप्रेजेंट इन द स्कूल टेक्स्ट बुक। एक कमेटी NCERT की कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है भाई, जो कि इन सब मुद्दों पर ध्यान दे रही है। आपसे पूछा जा रहा है उस कमेटी के प्रमुख का नाम, हु इज द चेयरमैन ऑफ NCERT कमेटी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट ऑन सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंसेस में करिकुलम डेवलपमेंट के नजरिए से मेरे दोस्तों एक NCERT के द्वारा कमेटी का गठन किया, उस कमेटी के चेयरमैन के बारे में पूछा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, दिनेश सकलानी, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, CI इसैक या M जगदीश कुमार, निम्नलिखित में से सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है फटाफट बता दीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ठीक है, एक तूफानी बदमाश बच्चा आ गया था। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है NCERT कमेटी जो गठित की गई है करिकुलम डेवलपमेंट ऑन सोशल साइंसेस पर, इसके चेयरमैन का नाम पूछा जा रहा है। तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है CI इसैक। क्या नाम है? CI इसैक। CI इसैक जो है वो चेयरमैन के पद पर है। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो भी बड़े काम के हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की जब चर्चाएं करते हैं तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, कौन सा मंत्रालय? एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं। दिनेश सकलानी ये NCERT, ठीक है भाई, के कस्तूरी रंगन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जब लॉन्च किया गया था तो इसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे उस वर्किंग ग्रुप के। M जगदीश कुमार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रमुख हैं, UGC के प्रमुख हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें जो हैं बड़ी काम की हैं, एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। देखिए जो करिकुलर कमिटी ऑन सोशल साइंसेज चेयरमैन है उनका नाम CI इसैक है, एक हिस्टोरियन भी हैं, ठीक है भाई। इनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि भाई जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं ये पेंडिंग है अप्रूवल्स, अप्रूवल के लिए। इनको अप्रूवल कौन देगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री ही अप्रूवल देगा, ठीक है भाई। इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कमेटी के प्रमुख के बारे में। वो कौन सा कंट्री है जो कि मेरे दोस्तों भारत का बिगेस्ट
सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। हम जब बात करते हैं 2023-24 के पहले हाफ की, फर्स्ट हाफ की, 2023-24 के फर्स्ट हाफ की जब चर्चाएं करते हैं तो वो कौन सा कंट्री है जो कि बिगेस्ट पार्टनर बताया गया है, ट्रेडिंग पार्टनर, वो है अमेरिका। यूएस इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में, वो कौन सा जिला है जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में फटाफट आंसर कर दीजिए। गोरखपुर, गोंडा, मेरठ, अयोध्या या फिर गाजियाबाद, सही जवाब क्या है? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों वो है गोंडा। गोंडा करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला मिशन शक्ति कैफे लॉन्च किया गया गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो कैफे है मेरे दोस्तों इसे स्वयं सहायता समूह जो है उनके मेंबर्स ऑपरेट करेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण होगा, विमेन्स एम्पावरमेंट। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाले बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। बीसीसीआई के द्वारा निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको नए हेड कोच के तौर पर नियुक्ति मिली है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की? तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की नए हेड कोच के तौर पर नियुक्ति मिली है किसको? तो नाम है इनका अमोल मजूमदार। क्या नाम है? अमोल मजूमदार, नाम याद रखिएगा, ठीक है भाई, अमोल मजूमदार। अगला सवाल, एक किताब है, एक ऑटोबायोग्राफी है, खूब चर्चाओं में रही है, साथ साथ में इसका पब्लिकेशन भी खूब चर्चाओं में रहा है, और एक बात जो अखबारों में छपी उसके बाद इस ऑटोबायोग्राफी के, जिसकी ऑटोबायोग्राफी है उनके द्वारा उस पब्लिकेशन से राइट ले लिए गए। तो हम बात कर रहे हैं एक ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट, लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट ऑटोबायोग्राफी है। निम्नलिखित में से किसकी? के सिवान, एस रमन, केवी साजी, एस सोमनाथ या विक्रम साराभाई? सही जवाब क्या है फटाफट बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? तूफानी गति से रफ्तार के साथ मेरे दोस्तों आंसर करिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो है एस सोमनाथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के चीफ, इसरो के ये चीफ हैं, इसरो चीफ। इसरो के कुछ मिशंस जो अभी हाल के ही बहुत चर्चाओं में रहे हैं जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान, और गगनयान का जो भी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है। इसरो के चेयरमैन की ऑटोबायोग्राफी लायंस दैट ड्रैंक द मून नाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी भी बनी इस पर, ठीक है। बाकी नामों की बात करें, के सिवान फॉर्मर इसरो चेयरमैन, एस रमन सिडबी के प्रमुख हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, के वी साजी की जब बात करते हैं तो ये नाबार्ड के प्रमुख हैं, इस समय नाबार्ड की जिम्मेदारियां देख रहे हैं, और विक्रम साराभाई ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट चेयरमैन थे। तो देखिए, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी की जब चर्चाएं होती हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम में लिखी गई है, नाम है नीलावू कुदिचा सिम्हांगल, इसको ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में लायंस दैट ड्रैंक द मून नाइट इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों ये बुक जो है पब्लिश की जा रही थी केरला बेस्ड लिपि पब्लिकेशन के द्वारा, लेकिन अब इस पब्लिकेशन से वो अधिकार वापस ले लिए हैं एस सोमनाथ जी के द्वारा, क्योंकि इस पर एक कॉन्ट्रोवर्सी थी, कुछ बात थी जो अखबारों में छपी थी जिस पर इनकी प्रतिक्रिया आई थी और इन्होंने बोला था कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये नवंबर 2023 में मार्केट में आनी थी, आ चुकी है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस बैंक के बारे में बताइए जिस बैंक के द्वारा मेरे दोस्तों मुकानूर मिशन लॉन्च किया गया है, और ये मिशन खूब चर्चाओं में है जो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही आता है। तो स्वच्छ भारत अभियान के दायरे में मेरे दोस्तों इस मिशन को लॉन्च किया है किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने, फेडरल बैंक के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है किसी फिनटेक एप्लीकेशन जैक पे को। आपको बताना है कि मेरे दोस्तों पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेशंस के लिए जो लाइसेंस मिला है जैक पे को, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? जैक पे जो है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? फोन पे का है, पेटीएम, रेजर पे, मोबीक्विक, गूगल पे, किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आंसर कर दीजिए।
तो यहाँ पर सही जवाब है, ये प्रोडक्ट है मोबीक्विक का। किसका प्रोडक्ट है भाई? मोबीक्विक का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा मोबीक्विक का। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए उससे संबंधित कोई ना कोई बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फोन पे फर्स्ट यूपीआई इंटरनेशनल सेवा को सबसे पहले लॉन्च करने वाला फोन पे है। पेटीएम के द्वारा यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया। रेजर पे की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये भी एक फिनटेक कंपनी है, खूब चर्चाओं में रहती है। गूगल पे इसके बारे में भी आप जानते हैं। जैक पे मेरे दोस्तों सिक्योर पेमेंट गेटवे है और ये मोबीक्विक का एक प्रोडक्ट है। इसको अभी हाल में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर। मोबीक्विक की स्थापना वर्ष 2009 की है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। बिपिन प्रीत सिंह इसके फाउंडर हैं, उपासना ठाकुर सी को फाउंडर। इस समय एमडी और सीईओ भी बिपिन प्रीत सिंह ही हैं। पेमेंट एग्रीगेटर होते क्या है मेरे दोस्तों? आप जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके बाद जब आपको पेमेंट डन करना होता है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं पेमेंट करने के लिए, बैंक या फिर कुछ दूसरी कंपनियों की। तो जो दूसरी कंपनियों के जैसे कि फोन पे का ऑप्शन आ रहा है, पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, रिजर्व पे का आ रहा है, मोबीक्विक, दीज आर द पेमेंट एग्रीगेटर्स। अगली खबर, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसका नाम है मुथूट फाइनेंस। खूब नाम सुना है आप लोगों ने इस कंपनी का। इसके द्वारा अपना बैड लोन जो कि 725 करोड़ का था, डिस्ट्रेस्ड गोल्ड लोन, इसको मेरे दोस्तों आरसेल को बेच दिया गया, यानी कि आरसेल को सौंप दिया गया। एक तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसके द्वारा अपना डिस्ट्रेस्ड गोल्ड लोन 725 करोड़ का आरसेल को सौंपा गया है, आरसेल को दिया गया है, बेचा गया है। तो मेरे दोस्तों उसका नाम मुथूट फाइनेंस है, ये एक एनबीएफसी है। हम यहां पर डिस्ट्रेस जो लोन की बात कर रहे हैं वो एक प्रकार का नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही है, याद रखिएगा। तो मुथूट फाइनेंस केरला बेस्ड एक इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी संस्था है, लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी कंपनी है भारत में। इसके द्वारा अपना 725 करोड़ का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है वो आरसेल को दे दिया गया है रिकवरी के लिए, एक तरह से समझ सकते हैं। आरसेल की जब बात करते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है मेरे दोस्तों, ये देश की पहली एआरसी कंपनी है, इंडियाज फर्स्ट एआरसी है, ठीक है भाई। मुथूट फाइनेंस का मुख्यालय कोची में है और इसके चेयरमैन जॉर्ज जैकोब मुथूट है। अगली खबर, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी हुई है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस संस्था की जब चर्चाएं करते हैं तो इसका मुख्यालय त्रिशूर में, केरला में। कहां पर मुख्यालय है इसका? इसका मुख्यालय त्रिशूर में, केरल में। मेरे दोस्तों एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसको मेरे दोस्तों अपना मार्केट में आईपीओ लाने का अप्रूवल सेबी के माध्यम से मिल चुका है। तो सेबी ने इसके आईपीओ को अप्रूवल दे दिया था, इसने मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च भी कर दिया है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे दोस्तों, और ये मेनली अगर देखा जाए तो सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरिया के कस्टमर्स को टारगेट करता है। स्थापना 2017 की है, हेडक्वार्टर त्रिशूर में है, चेयरमैन पी आर रवि मोहन और एमडी और सीईओ है पी पॉल के पॉल थॉमस। अगली खबर एडीबी से संबंधित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 175 मिलियन का लोन एग्रीमेंट मेरे दोस्तों साइन किया गया है मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। एडीबी से संबंधित कुछ बेसिक बातें, इसकी स्थापना 1966 की है, 1966 की, मुख्यालय मनीला में है। प्रेसिडेंट मसासुगु असकावा, मेंबर्स टोटल 68 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग 49 रीजनल मेंबर्स एंड 19 नॉन रीजनल मेंबर्स, मतलब एशिया के बाहर के देश हैं। अभी हाल में ही भार्गव दास गुप्ता की नियुक्ति हुई है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मार्केट सॉल्यूशंस के लिए। अगला सवाल मेरे दोस्तों, भारत ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर के तौर पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन जाएगा किस वर्ष तक, वो कौन सा ईयर है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। इंडिया बिकम फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर बाय विच ईयर, किस वर्ष तक? सही जवाब क्या है? तो करेक्ट आंसर में दोस्तों यहां पर है, सही जवाब क्या है? 2025, 27, 30 इज द करेक्ट आंसर। 2030 तक भारत ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर की लिस्ट में टॉप फोर में आ जाएगा, चौथे पायदान पर। और जानकारी दी गई है लगभग 410 बिलियन ये जो मेरे दोस्तों ये टोटल मार्केट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 2030 तक। भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के नज़रिए से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें स्वदेश दर्शन स्कीम,
ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, देखो अपना देश इनिशिएटिव, नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन, राष्ट्रीय नेशनल टूरिज्म डे मेरे दोस्तों 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है ये 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल, एक गांव है कोंगथोंग, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर कैटेगराइज किया गया है, अवार्ड दिया गया है हमारे टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। इस गांव की जब चर्चा करते हैं तो गांव कहां पर है, ये गांव है मेघालय का, इसे विशलिंग विलेज के तौर पर भी बोला जाता है, तो विशलिंग विलेज के तौर पर भी इसे कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है भाई, अगला सवाल, एक कंपनी है, नाम है विस्ट्रॉन, जो कि आईफोन मेकर कंपनी है, इसका एक प्लांट बैंगलोर में था लेकिन उस प्लांट को मेरे दोस्तों इस कंपनी के द्वारा किसी भारतीय कंपनी को बेच दिया गया है, तो वो निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसको विस्ट्रॉन ने अपना प्लांट सेल किया है। उस कंपनी का नाम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है और इस तरह से ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, इसके द्वारा मेरे दोस्तों विजिलेंस अवेयरनेस वीक निम्नलिखित में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मेरे दोस्तों ऑब्जर्व किया जाता है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मेरे दोस्तों इस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। CVC इस समय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और विजिलेंस कमिश्नर अरविंद कुमार हैं। 5 नवंबर तक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मेरे दोस्तों इस वीक को ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम थी से नो टू करप्शन कमिट टू नेशन। मैंने आपको बताया कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, CVC इस समय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मेरे दोस्तों CVC के पद पर है। अगला सवाल, पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट, फर्स्ट ग्लोबल AI सेफ्टी समिट, इसे मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, वो कौन सा कंट्री जिसने इस सम्मेलन को होस्ट किया, उसका नाम है UK, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। और साथ साथ मेरे दोस्तों पहला AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये भी मेरे दोस्तों UK में ही तैयार किया जा रहा है, UK में ही स्थापित होगा। ठीक है भाई, ये जो पहला ग्लोबल AI सेफ्टी समिट है ये बकिंगम शायर में 1 और 2 नवंबर को आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है, इनके बारे में जानकारी दीजिए, जिनको अगले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूनाइटेड नेशन में और उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके लिए नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में, जो कि जेनेवा में इसकी बॉडीज हैं, इसके लिए नियुक्ति मिली है, उनका नाम अरिंदम बागची है और अरिंदम बागची रिप्लेस करेंगे इंद्रमणि पांडे, तो इंद्रमणि पांडे को अरिंदम बागची रिप्लेस करेंगे। परमेश्वरन अय्यर वर्ल्ड बैंक में इस समय ED के तौर पर हैं, KV सुब्रमण्यम IMF में ED के तौर पर हैं, अंशुलाकांत वर्ल्ड बैंक में MD है। निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है मेरे दोस्तों जो कि विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने देश में सभी जो आवारा कुत्ते होते हैं यानी कि स्ट्रे डॉग्स हैं इनको स्टरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया है, तो ये पॉपुलेशन वैक्सीनेट की गई है भूटान के द्वारा, अभी हाल की ही खबर है। भूटान के जो किंग हैं वो भारत की यात्रा पर भी थे, 10 दिनों की यात्रा पर। अगला सवाल, वो कौन सा भारतीय राज्य है, उस भारतीय राज्य के बारे में जानकारी दीजिए, विच स्टेट और UT जिसके रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है गोल्ड कैटेगरी। तो मेरे दोस्तों गोल्ड कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड से किस राज्य के रूरल डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन को सम्मानित किया गया है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के इस मिशन को मेरे दोस्तों स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल, आसियान देशों की जब बात करते हैं तो इसकी मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग मेरे दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई, ये मीटिंग इंडोनेशिया में होस्ट की गई, इस जगह पर इंडोनेशिया में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। म्यांमार साउथ चाइना सी टेंशंस, ये सब चीज़ें इस मीटिंग के दौरान चर्चाओं में रही थी, इंडोनेशिया में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। आसियान जो है मेरे दोस्तों 1967 की एस्टेब्लिशमेंट है, ईस्ट टिमोर इसका नया नवेला मेंबर कंट्री है, 11th कंट्री है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में और आसियान टूरिज्म मीट जनवरी 2024 में लाओस में आयोजित की जाएगी। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है।
आप जितने भी दोस्त साथी मित्र सेशन में जुड़े हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों आप तक, बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टेलीग्राम चैनल है जीए भाई भास्कर सर, आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। ये है कोड BPM10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर इस समय 50% का ऑफ चल रहा है, इस ऑफर को अवेल करिए। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों आपको मिलता है 2499 का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 का। ये कोड है BPM10, इस कोड का इस्तेमाल करके 30 नवंबर तक मेरे दोस्तों आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर सभी बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन पर तूफानी छूट। तो सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है, धन्यवाद। आप जितने बच्चे सेशन में जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जैसे नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।